नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपको अपने YouTube चैनल संध्या ह्यूमनिस्ट में। दोस्तों, जल जीवन मिशन, जल ही जीवन है। मैं आज इसी के बारे में लेकर आई हूं कि जल जीवन मिशन में युवाओं को रोजगार मिल रहा है और इनका मानदेय भी होगा 6,000। जी हाँ दोस्तों, मानदेय 6,000 होगा। प्रत्येक ज़िले में युवाओं की ट्रेनिंग आज से शुरू होने जा रही है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और पूरी वीडियो को वॉच करिए, क्योंकि मैं इसी तरह से अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेकर आती रहती हूँ और आप तक पहुँचाती रहती हूँ। तो हम इसके बारे में आज पूरी जानकारी आपको देंगे। सभी घरों तक पानी पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित होंगे 28 लाख लोग। हर घर जल योजना के तहत वर्ष 2024 तक प्रदेश के सभी घरों तक पाइप के माध्यम से पेयजल पहुंचाने के लिए 28 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले कुल 7,56,522 तकनीकी कर्मिकों, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, मोटर मैकेनिक, फिटर और राजमिस्त्री को मार्च तक प्रशिक्षित किया जाएगा। इसी कड़ी में बृहस्पतिवार को यह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलपूर्ति विभाग की ओर से 654 मास्टर ट्रेनरों को ट्रेनिंग दी गई है। ये मास्टर ट्रेनर हर महीने में प्रत्येक ब्लॉक में 4-4 लोगों को ट्रेनिंग देंगे। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने 48 ट्रेनरों को प्रमाण पत्र और मानदेय वितरित किया है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि अटल भूजल योजना को सभी 75 जिलों में लागू किया जाएगा। इससे गिरते जलस्तर को रोककर डार्क जोन में जाने वाले ब्लॉकों को सेफ जोन में लाया जाएगा। प्रमुख सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलपूर्ति अनुराग श्रीवास्तव ने प्रशिक्षण योजना का वितरण प्रस्तुत किया है। जल शक्ति मंत्री ने 48 मास्टर ट्रेनर्स को वितरित किए हैं प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, 2024 तक हर घर जल को लक्ष्य। दोस्तों, आप लोग जान ही रहे हैं कि जल स्तर कितना नीचे जा रहा है और इसी को बचाने के लिए यह जो है जल जीवन मिशन को लागू किया गया है सरकार के द्वारा, और इससे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है, जिसमें मिस्त्री, प्लम्बर, ये जो है 8 प्रकार के रोजगार दिए जा रहे हैं और इसमें 28 लाख लोगों को नियुक्ति मिलेगी, प्रशिक्षण किया जाएगा। तो दोस्तों, नई दिल्ली, केंद्र सरकार वर्ष 2024 तक देश के हर घर पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को पेश बजट में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस मिशन के तहत केंद्र और राज्य की योजनाओं को जोड़ते हुए काम किया जाएगा। इसमें स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन, मांग और आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल संरक्षण, भूजल संरक्षण के लिए काम किया जाएगा। इसके अलावा परिवार द्वारा काम के लिए पानी यानी अपशिष्ट जल को कृषि कार्य में पुनः प्रयोग लेने पर भी प्रमुखता से काम होगा। भूजल संरक्षण व पुनर्भरण पर विशेष फोकस। केंद्र सरकार का भूजल संरक्षण और पुनर्भरण पर विशेष फोकस। पूरे देश में ऐसे ब्लॉकों की पहचान की है जहां अत्यधिक जल दोहन के कारण स्थिति दयनीय है। सरकार यहां उपलब्ध धन राशि के साथ प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण CAMPA के तहत काम करेगी। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर और आपूर्ति को पूरा करेंगे। दोस्तों, जल हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन पेड़ों की कटाई की वजह से, असामयिक बरसात की वजह से हमारे जो जल स्तर है काफ़ी नीचे जा रहे हैं और वर्षा भी कम होती है और कहीं कहीं तो पानी गर्मियों में आता ही नहीं है नल से। तो इन्हीं सब के लिए जल बचाव किया जाएगा और जो है सरकार की तरफ से
पेड़ पौधे भी लगाने के लिए इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि अभी मैंने बताया है कि जहाँ पे जलस्तर एकदम कम हो गया है वहाँ पे पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। और युवाओं की आज से ट्रेनिंग भी दी जा रही है जिसका मानदेय 6,000 होगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है ये। और अगर आप इस चैनल पर संध्या ह्यूमनिस्ट पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जल जीवन, जल है तो हम हैं, नहीं तो हम नहीं हैं, जल है तो पृथ्वी है, नहीं तो कोई नहीं है। इसीलिए दोस्तों इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।